यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम सभा पर चतुर्थ अध्याय। मैं द्वारा निर्मित सभा भवन में धर्मराज युधिष्ठिर का प्रवेश तथा सभा में स्थित महर्षियों और राजाओं आदि का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस श्रेष्ठ सभा भवन का निर्माण करके मयासुर ने अर्जुन से कहा। मयासुर बोला, सव्यसाचिन, यह है आपकी सभा। इसमें एक ध्वजा होगी, उसके अग्रभाग में भूतों का महापराक्रमी किंकर नामक गण निवास करेगा। जिस समय तुम्हारे धनुष की टंकार ध्वनि होगी, उस समय उस ध्वनि के साथ ये भूत भी मेघों के समान गर्जना करेंगे। यह जो सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव का उत्तम रथ है और ये जो श्वेत वर्ण वाले दिव्य एवं बलवान अश्वरत्न है तथा यह जो वानर चिन्ह से उपलक्षित ध्वज है, इन सब का निर्माण माया से ही हुआ है। यह ध्वज वृक्षों में कहीं अटकता नहीं है तथा अग्नि की लपटों के समान सदा ऊपर की ओर ही उठता रहता है। आपका ये वानर चिन्हित ध्वज अनेक रंग का दिखाई देता है। आप युद्ध में इस उत्कट एवं स्थिर ध्वजा को कभी झुकता नहीं देखेंगे। ऐसा कहकर मयासुर ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उनसे विदा लेकर चला गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने घी और मधु मिलाई हुई खीर, खिचड़ी, जीवंतिका के साग, सब प्रकार के हविष्य, भांति भांति के भक्ष्य तथा फल, ईख आदि नाना प्रकार के चोष्य और बहुत अधिक पेय आदि सामग्रियों द्वारा 10,000 ब्राह्मणों को भोज कराकर उस सभा भवन में प्रवेश किया। उन्होंने नए नए वस्त्र और छोटे बड़े अनेक प्रकार के हार आदि के उपहार देकर अनेक दिशाओं से आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया। भारत, तत्पश्चात उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को 1,000 गौएं दी। उस समय वहां ब्राह्मणों के पुण्य वाचन का गंभीर घोष मानो स्वर्ग लोक तक गूंज उठा। कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के बाजे तथा भांति भांति के दिव्य सुगंधित पदार्थों द्वारा उस भवन में देवताओं की स्थापना एवं पूजा की। इसके बाद वे उस भवन में प्रविष्ट हुए। वहां धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में कितने ही मल्ल, नट, झल, सूत और वैतालिक उपस्थित हुए। इस प्रकार पूजन का कार्य संपन्न करके भाइयों सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर स्वर्ग में इंद्र की भांति उस रमणीय सभा में आनंद पूर्वक रहने लगे। उस सभा में ऋषि तथा विभिन्न देशों से आए हुए नरेश पांडवों के साथ बैठा करते थे। असित, देवल, सत्य, सर्पिर माली, महाशिरा, अरवावसु, सुमित्र, मैत्र, शुनक, बलि, बक, दालभ्य, स्थूलशिरा, कृष्णद्वैपायन, शुकदेव, व्यास जी के शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल तथा हम लोग, तित्तिरी, याज्ञवल्क, पुत्र सहित लोमहर्षण, अप्सुहोम्य, धौम्य, अणिमांडव्य, कौशिक, दामोषणीश, त्रैबली, परणाद, घटजानुक, मौजान्य,
वायुभक्ष, पाराशर, सारिक, बलिवाक, सिनीवाक, सत्यपाल, कृतिश्रम, जातुकर्ण, शिखावान, आलंब, पारिजातक, महाभाग पर्वत, महामुनि मार्कंडे, पवित्र पाणी, सावर्ण, भालुकी, गालव, जंघाबंधु, रैभ्य, कोपवेग, भृगु, हरिबब्रु, कौंडिन्य, बब्रुमाली, सनातन, काक्षीवान, औशिज, नाचिकेत, गौतम, पैंग्य, वराह, शुनक, महातपस्वी शांडिल्य, कुक्कुर, वेणुजंग, काला तथा कट आदि धर्मज्ञ, जीतात्मा और जितेंद्र मुनि उस सभा में विराजते थे। ये तथा और भी वेद वेदांगों के पारंगत बहुत से मुनि श्रेष्ठ उस सभा में महात्मा युधिष्ठिर के पास बैठा करते थे। वे धर्मज्ञ, पवित्र आत्मा और निर्मल महर्षि राजा युधिष्ठिर को पवित्र कथाएं सुनाया करते थे। इसी प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ नरेश भी वहां धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते थे। श्रीमान महामना धर्मात्मा मुंज केतु, विवर्धन, संग्रामजित, दुर्मुख, पराक्रमी उग्रसेन, राजा कक्षसेन, अपराजित शेमक, कंबोज राज कमट और महाबली कंपन, जो अकेले ही बल पौरुष संपन्न, अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा अमित तेजस्वी यवनों को सदा उसी प्रकार कंपाते रहते थे जैसे वज्रधारी इंद्र ने काल के नामक असुरों को कंपित किया था। इनके सिवा जटासुर, मद्रराज शल्य, राजा कुंती भोज, किरातराज पुलिंद, अंगराज, वंगराज, पुंड्रक, पांड्य, उड्रराज, आंध्र नरेश, अंग, वंग, सुमित्र, शत्रुसूदन शैव्य, किरातराज सुमना, यवन नरेश, चाणूर, देवराज, भोज, भीमरथ, कलिंगराज श्रुतायुद्ध, मगधदेशीय जयसेन, सुकर्मा, चेकितान, शत्रुसंहारक पुरु, केतुमान, वसुदान, विदेहराज कृतिषण, सुधर्मा, अनिरुद्ध, महाबली श्रुतायु, दूरधर्ष वीर अनूपराज, क्रमजित, सुदर्शन, पुत्र सहित शिशुपाल, करुषराज दंतवक्त्र, वृष्णि वंशियों के देव स्वरूप दुर्धश राजकुमार, आहुक, विप्रथु, गद, सारण, अक्रूर, कृतवर्मा, शिनीपुत्र सत्यक, भीष्मक, आकृति, पराक्रमी द्युम्त्सेन, महान धनुर्धर के राजकुमार, सोमक पौत्र द्रुपद, केतुमान तथा अस्त्र विद्या में निपुण महाबली वसुमान, ये तथा और भी बहुत से प्रधान क्षत्रिय उस सभा में कुंती नंदन युधिष्ठिर की सेवा में बैठते थे। जो महाबली राजकुमार अर्जुन के पास रहकर कृष्ण मृग चर्म धारण किए धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे, वे भी उस सभा भवन में बैठकर राजा युधिष्ठिर की उपासना करते थे। राजन, वृष्णि वंश को आनंदित करने वाले राजकुमारों को वही शिक्षा मिलती थी। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न, जामवती कुमार सांब, सत्यक पुत्र युयुधान, सुधर्मा, अनिरुद्ध, नरश्रेष्ठ शैव्य, ये और दूसरे भी बहुत से राजा उस सभा में बैठते थे। पृथ्वीपते अर्जुन के सखा तुम्बुरु गंधर्व भी उस सभा में नित्य विराजमान होते थे। मंत्री सहित चित्रसेन आदि 27 गंधर्व और अप्सराएं सभा में बैठे हुए महात्मा युधिष्ठिर की उपासना करती थी। गाने बजाने में कुशल, साम्य और ताल के विशेषज्ञ तथा प्रमाण, लय और स्थान की जानकारी के लिए विशेष परिश्रम किए हुए मनस्वी किन्नर तुम्बुरु की आज्ञा से वहां अन्य गंधर्वों के साथ दिव्य तान छेड़ते हुए यथोचित रीति से गाते
और पांडवों तथा महर्षियों का मनोरंजन करते हुए धर्मराज की उपासना करते थे। जैसे देवता लोग दिव्य लोक की सभा में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार कितने ही सत्य प्रतिज्ञ और उत्तम व्रत का पालन करने वाले महापुरुष उस सभा में बैठकर महाराज युधिष्ठिर की आराधना करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत सभा क्रिया पर्व में सभा प्रवेश नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। लोकपाल सभाख्यान पर्व पंचम अध्याय, नारद जी का युधिष्ठिर की सभा में आगमन और प्रश्न के रूप में युधिष्ठिर को शिक्षा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन उस सभा में महात्मा पांडव अन्यान्य महापुरुषों तथा गंधर्वों आदि के साथ बैठे हुए थे। उसी समय वेद और उपनिषदों के ज्ञाता ऋषि, देवताओं द्वारा पूजित इतिहास पुराण के मर्मज्ञ, पूर्व कल्प की बातों के विशेषज्ञ, न्याय के विद्वान, धर्म के तत्वों को जानने वाले, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन छह अंगों के पंडितों में शिरोमणि, ऐक्य, संयोग, नानात्व और समवाय के ज्ञान में विशारद, प्रगल्भ वक्ता, मेधावी, स्मरण शक्ति संपन्न, नीतिज्ञ, त्रिकालदर्शी, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म को विभाग पूर्वक जानने वाले, प्रमाणों द्वारा एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचे हुए, पंच अवयव युक्त वाक्य के गुण दोष को जानने वाले, बृहस्पति जैसे वक्ता के साथ भी उत्तर प्रत्युत्तर करने में समर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में यथार्थ निश्चय रखने वाले तथा इन संपूर्ण 14 भुवनों को ऊपर नीचे और तिरछे ओर से प्रत्यक्ष देखने वाले, महाबुद्धिमान, सांख्य और योग के विभाग पूर्वक ज्ञाता, देवताओं और असुरों में भी निर्वेद उत्पन्न करने के इच्छुक, संधि और विग्रह के तत्व को समझने वाले, अपने और शत्रु पक्ष के बलाबल का अनुमान से निश्चय करके शत्रु पक्ष के मंत्रियों आदि को फोड़ने के लिए धन आदि बांटने के उपयुक्त अवसर का ज्ञान रखने वाले, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाक्षय राजनीति के इन छह अंगों के उपयोग के जानकार, समस्त शास्त्रों के निपुण विद्वान, युद्ध और संगीत की कला में कुशल, सर्वत्र क्रोध रहित, इसके सिवा और भी असंख्य सद्गुणों से संपन्न, मननशील, परम कांतिमान, महातेजस्वी देवऋषि नारद, लोक लोकांतरों में घूमते फिरते, पारिजात, बुद्धिमान पर्वत तथा सौम्य, सुमुख आदि अन्य अनेक ऋषियों के साथ सभा में स्थित पांडवों से प्रेम पूर्वक मिलने के लिए मन के समान वेग से वहां आए और उन ब्रह्म ऋषि ने जय सूचक आशीर्वादों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर का अत्यंत सम्मान किया। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडव श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने देव ऋषि नारद को आया देख भाइयों सहित सहसा उठकर उन्हें प्रेम, विनय और नम्रता पूर्वक उस समय नमस्कार किया और उन्हें उनके योग्य आसन देकर धर्मज्ञ नरेश ने गौ, मधुपर्क तथा अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करते हुए रत्नों से उनका विधिपूर्वक पूजन किया तथा उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति करके उन्हें संतुष्ट किया। राजा युधिष्ठिर से यथोचित पूजा पाकर नारद जी भी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार संपूर्ण पांडवों से पूजित होकर उन वेद वेत्ता महर्षि ने युधिष्ठिर से धर्म, काम और अर्थ तीनों के उपदेश पूर्वक ये बातें पूछी। नारद जी बोले, राजन, क्या तुम्हारा धन तुम्हारे निर्वाह के लिए पूरा पड़ जाता है? क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है? क्या तुम्हें इच्छा अनुसार सुख भोग प्राप्त होते हैं? तुम्हारे मन को आघात
या विक्षेप तो नहीं पहुंचता है? नरदेव, क्या तुम ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों की प्रजाओं के प्रति अपने पिता पितामहों द्वारा व्यवहार में लाई हुई धर्मार्थ युक्त उत्तम एवं उदार वृत्ति का व्यवहार करते हो? तुम धन के लोभ में पड़कर धर्म को केवल धर्म में ही संलग्न रहकर धन को अथवा आसक्ति ही जिसका बल है उस काम भोग के सेवन द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को ही हानि तो नहीं पहुंचाते? विजय वीरों में श्रेष्ठ एवं वरदायक नरेश, तुम त्रिवर्ग सेवन के उपयुक्त समय का ज्ञान रखते हो, अतः काल का विभाग करके नियत और उचित समय पर सदा धर्म अर्थ एवं काम का सेवन करते हो ना? निष्पाप युधिष्ठिर, क्या तुम राजोचित छह गुणों के द्वारा सात उपायों की, अपने और शत्रु के बलाबल की तथा देशपाल दुर्गपाल आदि 14 व्यक्तियों की भली भांति परख करते रहते हो? विजेताओं में श्रेष्ठ भरतवंशी युधिष्ठिर, क्या तुम अपनी और शत्रु की शक्ति को अच्छी तरह समझकर यदि शत्रु प्रबल हुआ तो उसके साथ संधि बनाए रखकर अपने धन और कोष की वृद्धि के लिए 8 कर्मों का सेवन करते हो? भरत श्रेष्ठ, तुम्हारी मंत्री आदि 7 प्रकृतियां कहीं शत्रु में मिल तो नहीं गई हैं? तुम्हारे राज्य के धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे रहकर सर्वथा तुमसे प्रेम करते हैं ना? जिन पर तुम्हें संदेह नहीं होता ऐसे शत्रु के गुप्तचर दिखावटी मित्र बनकर तुम्हारे मंत्रियों द्वारा तुम्हारी गुप्त मंत्रणा को जानकर उसे प्रकाशित तो नहीं कर देते? क्या तुम मित्र शत्रु और उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान रखते हो कि वे कब क्या करना चाहते हैं? उपयुक्त समय का विचार करके ही संधि और विग्रह की नीति का सेवन करते हो ना? क्या तुम्हें इस बात का अनुमान है कि उदासीन एवं मध्यम व्यक्तियों के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए? वीर, तुमने अपने स्वयं के समान विश्वसनीय वृद्ध शुद्ध हृदय वाले किसी बात को अच्छी तरह समझाने में समर्थ उत्तम कुल में उत्पन्न और अपने प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले पुरुषों को ही मंत्री बना रखा है ना? क्योंकि भारत, राजा की विजय प्राप्ति का मूल कारण अच्छी मंत्रणा और उसकी सुरक्षा ही है। तात, मंत्र को गुप्त रखने वाले उन शास्त्रज्ञ सचिवों द्वारा तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित तो है ना? शत्रुओं द्वारा उसका नाश तो नहीं हो रहा है? तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते? समय पर जग जाते हो ना? अर्थशास्त्र के जानकार तो तुम हो ही। रात्रि के पिछले भाग में जगकर अपने अर्थ के विषय में विचार तो करते हो ना? तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? धन की वृद्धि के ऐसे उपायों का निश्चय करके जिनमें मूलधन तो कम लगाना पड़ता हो किंतु वृद्धि अधिक होती हो उनका शीघ्रता पूर्वक आरंभ कर देते हो ना? वैसे कार्यों में अथवा वैसा कार्य करने वाले लोगों के मार्ग में तुम विघ्न तो नहीं डालते? तुम्हारे राज्य के किसान मजदूर आदि श्रमजीवी मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं है ना? उनके कार्य और गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि है ना? वे तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं है? अथवा तुम उन्हें बार बार छोड़ते और पुनः काम पर लेते तो नहीं रहते? क्योंकि महान अभ्युदय या उन्नति में उन सब का स्नेहपूर्ण सहयोग ही कारण है। कृषि आदि के कार्य विश्वसनीय लोभ रहित और बड़े बूढ़ों के समय से चले आने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा ही कराते हो ना? राजन, वीर शिरोमणि, क्या तुम्हारे कार्यों के सिद्ध हो जाने पर या सिद्धि के निकट पहुंच जाने पर ही लोग जान पाते हैं? सिद्ध होने से पहले ही तुम्हारे किन्हीं कार्यों को लोग जान तो नहीं लेते? तुम्हारे यहाँ जो शिक्षा देने का काम करते हैं वे धर्म एवं संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होकर ही राजकुमारों तथा मुख्य मुख्य योद्धाओं को सब प्रकार की आवश्यक शिक्षाएं देते हैं ना?
तुम हजारों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही तो खरीदते हो ना, अर्थात आदर पूर्वक स्वीकार करते हो ना, क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्र, शिल्पी और धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? यदि एक भी मंत्री मेधावी, शौर्य संपन्न, संयमी और चतुर हो तो राजा अथवा राजकुमार को विपुल संपत्ति की प्राप्ति करा देता है। क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की तीन तीन अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल कराते रहते हो? शत्रु सूदन, तुम शत्रुओं से अज्ञात, सतत सावधान और नित्य प्रयत्नशील रहकर अपने संपूर्ण शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखते हो ना? क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील, कुलीन, बहुज्ञ, विद्वान, दोष दृष्टि से रहित तथा शास्त्र चर्चा में कुशल हैं? क्या तुम उनका पूर्ण सत्कार करते हो? तुमने अग्निहोत्र के लिए विधिज्ञ, बुद्धिमान और सरल स्वभाव के ब्राह्मण को नियुक्त किया है ना? वह सदा किए हुए और किए जाने वाले हवन को तुम्हें ठीक समय पर सूचित कर देता है ना? क्या तुम्हारे यहाँ हस्तपादादि अंगों की परीक्षा में निपुण ग्रहों की वक्र तथा अतिचार आदि गतियों एवं उनके शुभाशुभ परिणाम आदि को बताने वाला तथा दिव्य, भौम एवं शरीर संबंधी सब प्रकार के उत्पातों को पहले से ही जान लेने में कुशल ज्योतिषी हैं? तुमने प्रधान प्रधान व्यक्तियों को उनके योग्य महान कार्यों में, मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ताओं को मध्यम कार्यों में तथा निम्न श्रेणी के सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे छोटे कामों में ही लगा रखा है ना? क्या तुम निश्चल बाप दादाओं के क्रम से चले आए हुए और पवित्र आचार विचार वाले श्रेष्ठ मंत्रियों को सदा श्रेष्ठ कर्मों में लगाए रखते हो? भरत श्रेष्ठ, कठोर दंड के द्वारा तुम प्रजाजनों को अत्यंत उद्वेग में तो नहीं डाल देते? मंत्री लोग तुम्हारे राज्य का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना? जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का और स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती? क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह से संपन्न, शूरवीर, बुद्धिमान, धैर्यवान, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त तथा अपने कार्य में कुशल है? तुम्हारी सेना के मुख्य मुख्य दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, दृष्ट, निष्कपट और पराक्रमी हैं? तुम उनका यथोचित सत्कार एवं सम्मान करते हो ना? अपनी सेना के लिए यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर देते हो ना? जो उन्हें दिया जाना चाहिए उसमें कमी या विलंब तो नहीं कर देते? भोजन और वेतन में अधिक विलंब होने पर भृत्यगण अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं और उनका वह कोप महान अनर्थ का कारण बताया गया है। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि सभी प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे युद्ध में तुम्हारे हित के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने को सदा तैयार रहते हैं? तुम्हारे कर्मचारियों में कोई ऐसा तो नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला और तुम्हारे शासन का उल्लंघन करने वाला हो तथा युद्ध के सारे साधनों एवं कार्यों को अकेला ही अपने रुचि के अनुसार चला रहा हो? कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ से जब किसी कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करता है तब वह आपसे अधिक सम्मान अथवा अधिक भत्ता और वेतन पाता है ना? क्या तुम विद्या से विनयशील एवं ज्ञान निपुण मनुष्यों को उनके गुणों के अनुसार यथा योग्य धन आदि देकर उनका सम्मान करते हो?
यथार्थ मोक्ष में।